हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं अनिल सिंह यादव, जूलॉजी फैकल्टी आकाश कोटा। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा वेबिनार लेके आया हूँ जिसमें आप लोग की जो कोटा की जर्नी है उसमें जो जो दिक्कतें आती हैं हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें चर्चा के लिए मेरे साथ हैं सीनियर फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर आयुष शर्मा सर। तो बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के संग। तो सर, हेलो बच्चों, मैं आयुष शर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। आज हम अनिल सर के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबिनार को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कोटा आते वक्त आपको जो भी परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर, तो उन परेशानियों को आप कैसे दूर करें और आपकी जो जर्नी है यहाँ पर वो कैसे बेनिफिशियल रह सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। तो सर, आप बताइए कि जब बच्चा या पेरेंट्स जब कोटा आने के बारे में सोचता है, तो कोटा आने से पहले उनको किन किन बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोग की जिंदगी के लिए। एक्चुअली में जब आप कोटा आते हैं, या तो आपका सपना इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, इन दोनों सपने को पूरा करने के लिए एक्चुअली में आपके ब्रेन में आया कहाँ पे ये कंटेंट? तो आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है सेरिब्रम, और सेरिब्रम में ये थॉट आता है कि चलो मैं डॉक्टर बनता हूँ या इंजीनियर बनता हूँ, और उसी के संग एक प्लानिंग स्टार्ट होती है कि कैसे आखिर इस जर्नी को कम्प्लीट करें, कैसे इसको मतलब एक धरातल पर लाएं। तो उसके लिए जो भी आपने सोचा, तो उसके लिए एक परफेक्ट आपको स्टडी चाहिए और उस पर आपको फॉलो करना है। फॉलो करने में मतलब जो उसका इंप्लीमेंट है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कोटा जाके पढ़ना है, तो सबसे पहले करना क्या है, तो थोड़ा सा जैसे आप लोग किसी भी मार्केट से किसी भी सामान को परचेस करते हैं, तो आप उसके इफेंट बट देखते हैं, आखिर कहाँ से मिलेगा, क्या है, क्या रिव्यूज हैं, वो सब देखते हैं। तो कोटा आने से पहले बच्चों, सबसे पहले एक बार आप कोचिंग्स के बारे में सर्च करिए कि कौन कौन सी कोचिंग बेहतरीन है जो आपको सिलेक्ट करा सकती हैं, जिनके सिलेक्शन रेशियो अच्छे हैं। तो एक दिमाग में आइडिया बन जाता है कि मुझे दो या तीन या चार कोचिंग जो भी होंगी कि इनमें से किसी कोचिंग को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप इंटरनेट की मदद लेंगे, उसकी सहायता लेंगे। अब आपने एक दिमाग में फ्रेम कर लिया कि ये कोचिंग है, इसमें स्टूडेंट खूब सारे पढ़ते हैं और इससे सिलेक्शन भी ज़्यादा है। तो दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, एक फ्रेम बना होना चाहिए कि जब मैं कोटा में ट्रेन से या कैसे भी आऊँगा, जब पहुँचूँगा, तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, ये सब बनाने में आपको बड़ा ईज रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पहला मेरा सजेशन क्या है, थोड़ा सा इंटरनेट की हेल्प लीजिए और थोड़ा देखिए कि जो कोचिंग है वो कैसी है, और याद रखिएगा जो वेल नोन कोचिंग है उन्हीं पर ज़रा फोकस करिएगा। ये मेरी एक राय है आपके लिए। तो जैसा कि बच्चों अनिल सर ने आपको बताया, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अच्छा सर, जरा ये बताइए कि जैसे बच्चा और पेरेंट्स जब कोटा आ जाते हैं, तो आने के बाद उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली मैं बहुत बार ये पेरेंट इसको फील करते हैं कि कोटा आ गए, वो स्टेशन पे उतरे, सपोज करिए ट्रेन से आए, स्टेशन पे उतरे, अब दिमाग में कुछ बना के आए, लेकिन यहाँ बाहर आते ही आपको दुनिया भर के होर्डिंग दिखेंगे, फलानी कोचिंग, ढिमकानी कोचिंग, सभी के सिलेक्शन अच्छे, सभी टॉप रैंकर्स होंगे। अब दिमाग थोड़ा सा आपका डायलेमा में आएगा कि करना क्या है, और आपको स्टेशन पे बहुत सारे सलाह देने वाले भी मिलेंगे। लेकिन याद रखना बच्चों, जो आप अपनी रिसर्च करके आए हो कोटा आने से पहले, आपको उसी पे कंसंट्रेट करना है। आपको कोई कितना भी मॉडिफाई करे, कोई कितना भी प्रलोभन दे, लेकिन आप अपने जो दिमाग में सेट कर चुके हो, पहले आपको उसको फॉलो करना है। इसके लिए करना क्या है, जो आपने डिसाइड किया है आप उन कोचिंग्स में जाएं। अब सपोज करिए आप एक कोचिंग को डिसाइड करके आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कोचिंग में गए, आपने जस्ट आपने फॉर्म भरा, आपने फीस सबमिट की, बैग एंड बुक्स लिए और आप अपने हॉस्टल को ढूंढने निकल गए। नहीं, ऐसा तो नॉर्मली हम लोग करते ही नहीं है। एक इंसान होने के नाते जब हम लोग किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यकीन मानिएगा, कम से कम आप दो तीन जो वेल नोन कोचिंग्स हैं, एस्टेब्लिश कोचिंग है नेशनल लेवल की, उनको विजिट करिए, उनमें डिफरेंस देखिए कि क्या जो वो कमिट कर रहे हैं क्या एक्चुअली में वो है, और अगर वो नहीं है तो आपको जहाँ पे सही लगे, दैट इज जब आपने कंपेयर कर लिया, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि ये लोग मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे, ये लोग मुझे सिलेक्ट करा सकते हैं, तो कृपया उसी कोचिंग को चूज करें, ना कि अलग ये जो भ्रमात्मक आपके विज्ञापन होते हैं उसके इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को मॉडिफाई ना करें, अपने डिसीजंस को चेंज ना करें। तो कंपेरिजन करना बेहद जरूरी है आपके लिए कि कौन क्या सुविधाएं आपको दे रहा है। ठीक सर। अच्छा, तो बच्चों जैसे कि सर ने आपको बताया कि कोटा आने के पश्चात पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, सर जैसे मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पर कोटा आ चुका है पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स जो है वो उसको कोचिंग में ज्वाइन करवाना चाहता है, तो वो किसी भी कोचिंग में सौंपते वक्त उसे किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखे, जिससे कि उसकी जर्नी जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहे यहाँ पर कोटा में? ओके, तो एज ए अभिभावक या पेरेंट हम लोग करते क्या है, जब हम लोग अपने बच्चे को किसी को दे रहे हैं, तो हम लोग पूरी जाँच परख करते हैं। इवन अगर मैं अपने बच्चों को नर्सरी क्लास में भी एडमिशन कराने जाता हूँ ना, तो मैं स्कूल को देखता हूँ, स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, मेरा बच्चा किस जगह पढ़ेगा, क्या वहाँ पे जो नॉर्मल गर्मी होती है कोटा में
एसी की सुविधा है, किस तरीके की सुविधा है, कितने बच्चों के बीच में पढ़ रहा है। तो ये बड़े एक नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में भी आने चाहिए। तो अगर मेरी राय आप मानिए तो जब भी आप किसी कोचिंग को विजिट करें, हमारी कोचिंग हो या किसी की भी कोचिंग हो, तो जाते समय आप एक बार जो भी आपको एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, एक बार उसे ये जरूर बोलिएगा प्लीज क्या मुझे क्लासरूम विजिट करा देंगे, क्लासरूम में कितना स्टूडेंट बैठेगा, आखिर क्या माहौल है। तो बच्चे की जो बोर्ड के लिए एक होता है ना कि क्या कितनी विजिबिलिटी है, अगर वो लास्ट बेंच से भी विजिबिलिटी बोर्ड की है तो वो सही है, अगर वो नहीं है तो कृपया करके इस चीज को सोचना कि ऐसा तो नहीं है कि बस मैं एक काउंसलिंग जोन में पहुंचा, मैंने फॉर्म भरा, अपनी फीस सबमिट की और बच्चों को मैं सौंप के चला आया। तो यहाँ पे बहुत से इश्यूज हैं, जैसे टीचर पढ़ाएगा कौन, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, ये जानना आपका अधिकार है, ये जानना आपका हक है। लेकिन बहुत बार हम लोग जल्दी में होते हैं, क्योंकि ऐसे पेरेंट हम लोग को क्या लगता है कि हमने कोटा बच्चे को पहुंचा दिया, हमारा काम खत्म, अब वो बच्चा कैसे भी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करके निकलेगा। तो क्या सही में हमारी केवल यही ड्यूटीज थी? इस चीज पे आप गौर करिएगा कि ड्यूटीज हम लोग की से ज्यादा है। बहुत बार आप लोग छुट्टी लेके ही नहीं आते हैं, एक दिन की है, संडे को आपने मैनेज किया कि अगले दिन से ऑफिस जाना है, नहीं, बच्चे के करियर का सवाल है। और इनफैक्ट अगर बोलें बच्चे के करियर से ज्यादा आपकी पूरी जो आपकी फैमिली है उससे जुड़े हुए उसमें सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए केवल एक छोटे बच्चे के कंधे पे आप जिम्मेदारी डाल दो, उसको ऐसे ही कहीं पे भी भर्ती करा दो, ये जस्टिफाइड नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है। तो जब भी आप किसी कोचिंग को विजिट करें तो कृपया बच्चे से रिलेटेड सारी चीजों को एक बार देखें, बच्चे को बैठाया कहाँ पे जा रहा है, कितने स्टूडेंट के बीच में पढ़ा कौन रहा है, एडिशनल सुविधाएं क्या है, उसको पानी कैसा पीने को मिल रहा है, ये सारी चीजें देखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप इसमें 100% श्योर हो जाएं तो उस कोचिंग में आप दाखिला दिला दीजिए, तो कम से कम आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि कुछ गड़बड़ थी, मेरी नजर में ये सारी चीजें सही थी। क्योंकि एक्चुअली में हम लोग तो एडल्ट्स हैं, हम लोग इन चीजों को समझते हैं, एक बच्चा इन चीजों को नहीं समझ सकता है। तो अपनी जिम्मेदारी कहाँ पे है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत अच्छा सर। तो सर ने देखिए पेरेंट्स, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जब भी आप कोटा में आएँ तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम कोचिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से जांच परख लें, उसके बाद ही हम पश्चात अपने बच्चे को उस कोचिंग को सौंपें। अच्छा सर, ये तब बताइए कि जैसे बच्चा कोटा भी आ गया, उसने कोचिंग में ज्वाइन भी कर लिया, अब बच्चे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है हॉस्टल या पीजी को सेलेक्ट करने की। तो हॉस्टल और पीजी को सेलेक्ट करते वक्त उसको किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों, कोचिंग तो आपने चूज कर ली पेरेंट्स की हेल्प से या खुद भी चूज कर ली, अब बड़ा मुद्दा है कि आप रहोगे कहाँ और कैसा माहौल होगा, क्या खाने को देगा, क्या सुविधाएं हैं, और मिड सेशन में आपको परेशान तो नहीं करेगा। तो लगातार ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि जो हॉस्टल्स हैं कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए बीच मिड सेशन में किराया बढ़ा देते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्बेंस कभी कभी सिलेक्शन को भी खा जाती है। तो जब भी आप हॉस्टल में जा रहे हैं, पीजी को देखने जा रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको पहले तो अपनी एकोमोडेशन देखनी है कि जो रूम आपको दिया गया वो कैसा है, क्या वो हवादार है, वेंटिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंटिलेशन। एक ये भी है कि सूरज की धूप आती है कि नहीं, अगर धूप नहीं आ रही तो भी अजीब सी निगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें नेचुरल लाइट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरा बच्चा पूरे दिन ट्यूबलाइट की लाइट में या बल्ब को जला के पढ़ रहा है। नेचुरल लाइट का होना बहुत जरूरी है, ये एक पार्ट है। सेकेंड, अब उसके बाद शुरू क्या होता है, हाइजीन कंडीशन। जैसे कोटा में लगातार हम लोग देखते हैं कि बच्चे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, यहाँ पे कल्प्रिट कौन है, यहाँ पे वो खान पान है। तो हॉस्टल कहाँ पे खाना बना रहा है, क्या आपको किचन की विजिट करा रहा है, उसके अंदर अगर किचन नहीं है तो आपने कहाँ पे उसको मैस लगाई, मैस की किचन कैसी है, कितनी साफ है, क्या सफाई का ध्यान रखा गया कि नहीं, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। क्योंकि बच्चा बेचारा जब कोचिंग से पढ़ के जाएगा, भूखा होगा, खाना खाएगा, उसको जैसा भी मिला वो खाना खाएगा, लेकिन खाने की क्वालिटी तो वो प्लीज आप एक बार चेक करिएगा उसे, एक बार उनसे गुजारिश कर लीजिएगा कि प्लीज मुझे किचन विजिट करा दो, कौन लोग बना रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में बना रहे हैं, और खाना मतलब कैसा है, कौन से तेल यूज कर रहे हैं, कैसा आप फ्लोर यूज कर रहे हैं, मतलब जो आटा वगैरह है कैसा यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है सर। और साथ में उनका एक शेड्यूल होना चाहिए, उनको डाइट क्या दी जा रही है, एक हफ्ते का जो शेड्यूल होता है वो उनके पास में होना चाहिए कि आज ये मिलेगा कल ये बनेगा। तो आप ये देखिए क्या वो बैलेंस डाइट है कि नहीं, क्या बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर हेल्दी खाना नहीं खाएगा तो यकीन मानिए हेल्दी ब्रेन नहीं होगा और बच्चा कहीं ना कहीं बेचारा सफर करेगा। और बहुत बार पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहता कि आज भी अच्छा नहीं बना, कल भी अच्छा नहीं बना, फिर वो मन मार के खाने लगता है। तो इस पार्ट पे भी एक बार फोकस करिएगा कि आपने खाने के लिए पैसे तो दिए हैं, लेकिन वो खाना क्या आपको उचित मिल रहा है, आपका एक हाइजेनिक कंडीशन में बना है कि नहीं, और स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं। तो ये मेरा सजेशन था कि हॉस्टल और पीजी में उसको क्या देखना है। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे सर से प्राप्त हो गई।
तो अब आप कोटा भी आ गए, आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है और आपके हॉस्टल पीजी के बारे में भी आपको पता लग गया है। अब बात आती है एकेडमिक्स की, तो जब बच्चा कोटा में आता है सर, तो उसको क्या एकेडमिक प्रोसीजर या एकेडमिक प्लान जो है वो उसको फॉलो करना चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो? ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोग जब डिसाइड करके आए हो आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो मन में एक प्लानिंग तो है। प्लानिंग के संग जो स्ट्रेटजी है वो एक्चुअली में टीचर सेट करते हैं। टीचर का अहम रोल होता है इसमें कि उनको ये पता है कि आखिर ये टारगेट को अचीव कैसे करना है। तो जैसे अगर मैं मेडिकल की बात करूँ, जैसे मैं मेडिकल पढ़ाता हूँ तो मेडिकल की बात करते हैं, तो उसमें 600 प्लस चाहिए उसको। अगर जनरल कैटेगरी है ऑल ओवर इंडिया जो कट जाता है, नॉर्मली 600 प्लस चाहिए, वो कैसे इसको अचीव करे? तो सबसे पहले तो बच्चों चाहिए क्या है, अगर आप 12th पास करके आ रहे हो, आपने नीट में अपियर हुए हो, तो एक बार एनालिसिस बनाइए कि आपके फिजिक्स में क्या गलतियाँ हुई, गलती होने के कारण क्या थे, क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था या क्या वजह रही, उसके कारण को लिख लीजिए। सेम इन द ऑल थ्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, सब आपने ये कर लिया। अब आप जब अपने टीचर के पास फर्स्ट टाइम जाएंगे, जो आपको मेंटर अलॉट हुआ, आप बताएंगे कि सर मेरा ये स्कोर आया और मेरा टारगेट ये है। एक बार तो टीचर टारगेट सेट करके देगा, अब उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, तो उसकी प्लानिंग आपको एक बार टीचर बना के देंगे। अब इवन हम लोग, जैसे मैं खुद ही हूँ इस चीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ कि बच्चा अपनी स्टडी को स्टार्ट कैसे करे, वो कब से स्टार्ट करे, पूरे दिन में क्या दिनचर्या रखे, तो इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक परफेक्ट प्लानिंग एक टीचर से बना के आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर वो टीचर से मिलता है, मेंटर से मिलता है, तो उसकी एकेडमिक जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। तो बच्चों एकेडमिक जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस अदर पार्ट। तो आपको फोकस किस पे करना है कि आपको कैसे महीना दर महीना अपने आपको इम्प्रूव करना है और कैसे सिलेक्शन के पास अपने आपको पहुँचाना है। तो ये था मेरा सजेशन सर इसमें। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन सर हो गए मेरे से। अब कुछ चीज़ों में मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप पर जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट उसको गाइड करें। जैसे जब एक स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है, आखिर वो किस शेड्यूल को फॉलो करे, अपनी दिनचर्या कैसे व्यवस्थित करे जिससे सिलेक्शन को श्योर कर पाए, क्योंकि मोटो तो सिलेक्शन है। सही बात है। तो बच्चों अल्टीमेटली हम सेलेक्ट होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारा जो एग्ज़ाम है नीट की अगर हम बात करें, तो NTA एग्ज़ाम करवाता है और NTA जो भी क्वेश्चंस देता है वो सारे जनरली NCERT बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमारी NCERT बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो NCERT बहुत अच्छी हो तो उसके लिए आप क्या करें कि अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो सबसे पहले हमारा फ्रेश माइंड होता है, तो उस टाइम पे हमें NCERT को जो है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम बहुत ही लंबे टाइम तक उसको याद रख पाएँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका मॉर्निंग का बैच है, फिर आप इंस्टीट्यूट आ गए, आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, ठीक है, और भी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो जो आज फैकल्टी क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसको अगर आप घर से थोड़ा सा देख कर आएंगे तो क्लास में लेजीनेस आपको फील नहीं होगी और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और टीचर से ट्यूनिंग भी आपकी बहुत अच्छी बैठेगी। इसके बाद जैसे आप क्लास ख़त्म होती है, तो क्लास ख़त्म होने के बाद आप घर गए, घर जाने के बाद आपने जो है लंच किया, लंच करने के बाद फिर आप एक घंटा रेस्ट करिए और रेस्ट करने के बाद फिर जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया था उसे आप एक बार जल्दी से गो थ्रू करो जाइए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस करना बहुत कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आपने केवल जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री उसी में क्वेश्चन कर लिए, इवन आपको बायोलॉजी में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है NCERT की लाइनों पर। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और साथ में कुछ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो हेल्थ है मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहे। तो ये आपका प्रोसीजर होना चाहिए और रात में आप 11 बजे तक तो आप सो ही जाइए, 11 बजे आप सो रहें और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाएं, तो एटलीस्ट 6 आवर की नींद एट स्ट्रेच आपकी होनी चाहिए और दिन में आप 1 घंटा सो रहें। तो बच्चों देखिए कितना बेहतरीन मार्गदर्शन मिला, NCERT कंपलसरी। आपने साल भी देखा होगा नीट के सारे क्वेश्चन NCERT से थे, तो प्लीज़ जो सर बता रहे हैं उस पर परफेक्टली फोकस करें, जो सर ने आपको शेड्यूल के लिए जो इनपुट दिया उसको फॉलो करें। अच्छा सर एक चीज़ और है, जब बच्चा पूरे दिन पढ़ रहा है, कोचिंग में आया, सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, लेकिन तब भी कभी ना कभी बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है या थोड़ा स्ट्रेस में आ गया कि बड़ा वाउसा काम हो रहा है, लगातार एक ही जैसा काम हो रहा है, तो इस दौरान क्या वो करे कि वो स्ट्रेस फ्री रहे, अपने आप को तनाव मुक्त रख पाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर का। बच्चों जैसा कि सर बताया कि ना बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में आपका जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करिए, डेली का डेली करने की कोशिश करिए।
लेकिन अगर आप डेली का डेली नहीं कर पाते हैं तो आपका बैकलॉग बढ़ता है, वो आपको स्ट्रेस देता है कई बार, है ना। तो कोशिश करिए कि डेली का डेली आप अपना काम है ना कंप्लीट करिए, एक डायरी मेंटेन करिए आप, उसमें आप वर्कलोड अपना लिखते रहिए कि हाँ आज हमें इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये थ्योरी का टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम अगर करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, वो आपका बढ़ेगा नहीं। अच्छा, साथ में हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, जैसे कि आप कुछ टाइम जो है अपने स्पोर्ट्स के लिए निकालिए, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन है या क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो कुछ टाइम जो है वो आप स्पोर्ट्स के लिए ज़रूर निकालिए। मोबाइल पर गेम ना खेलें, है ना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। हाँ, अगर आपकी कोई हॉबी है तो प्लीज़ उस हॉबी को भी थोड़ा मेंटेन करिए। अगर आपकी ड्राइंग है या म्यूज़िक में है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, तो वो हॉबी अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हॉबी को बिल्कुल ही छोड़ दें, आप उस हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ टाइम उसके लिए भी रखिए ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज रहेगा। तो बच्चों, है ना, कुछ स्पोर्ट्स हो गया, कुछ आपके म्यूज़िक हो गया, योगा प्राणायाम है ना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये चीज़ अगर हम करते हैं टाइम टू टाइम तो हम स्ट्रेस फ्री जो है वो महसूस करते हैं। और इनसे भी सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से गैप न बनाएं किसी भी घर, डेली बेसिस पर उनसे बात ज़रूर करें। अगर आप अपने पेरेंट्स और टीचर से डेली बेसिस पर बात करते रहेंगे तो वो आपको नॉर्मल वैसे ही कर देंगे, वो आपको स्ट्रेस में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि वो गैप मेंटेन कर लेते हैं, टीचर से दूरी बना लेते हैं या पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, तो वो स्ट्रेस फ्री करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत बेहतरीन। अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम लोग का सिस्टम तो सैटरडे ऑफ रखता है, इसीलिए कि सैटरडे को हम नॉर्मली क्लासेस नहीं लेते हैं, कि बच्चे की जो भी हॉबी है थोड़ा बहुत तो उसके लिए समय दे, तो बीच में भले वो गाना सुने या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाए या इवन गेम खेलना है तो उसके लिए भी कोर्ट वगैरह अपने यहाँ बना हुआ है। तो इस पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं कि हम सैटरडे उसको फ्री रखें, जिससे अगर वो डाउट पूछना है हम लोग अवेलेबल हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा तो स्ट्रेस नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली हम लोग 5 days week नॉर्मली ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे तो पूरे कोटा में आपको ये नहीं मिलेगा, हम लोग का 5 days week नॉर्मली चलता है। कभी कुछ अलग सी कंडीशन है तो हो सकता है आपकी क्लासेस हों, अंटिल अनलेस नॉर्मली हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये हम लोग का स्टेप है कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, तो ये तो बहुत बेहतरीन आपकी राय हो गई। तो अच्छा, एक चीज़ और है सर, जब बच्चा पूरे सेशन में है या वो जो जब टेस्ट में अपीयर हो रहा है तो बहुत बार टाइम मैनेज नहीं कर पाता। जैसे कुछ बच्चों की कॉल आती है, सर नीट का पेपर तो मुझे पूरा आता था लेकिन वो 3 घंटे 20 मिनट में हुआ नहीं, दैट इज़ वो बच्चा सेलेक्ट हो सकता था लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो इसके लिए आपकी क्या राय है सर? ज़्यादातर बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, प्रिपरेशन बच्चों की बहुत अच्छी रहती है लेकिन पेपर करते वक्त उनका पेपर छूट जाता है, तो ये एक बहुत ही बच्चों इम्पॉर्टेंट इशू है। इसमें आपको और ख़ासतौर पे आपके टीचर्स को और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरा जो टाइम पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ। जनरली हम लोग जो शेड्यूल फॉलो करते हैं कि सबसे पहले बच्चा बायो का पेपर अटेंड करता है, देन फिर केमिस्ट्री का, फिर देन फिजिक्स का अटेंड करता है, लेकिन इसमें भी अगर वो एक छोटी सी चीज़ अपना सकता है, जैसे कि पहले वो बायो के छोटे छोटे क्वेश्चंस करें या वो क्वेश्चंस जो उसको आते हैं पहले वो उन क्वेश्चंस को करें, तो उसके बाद फिर वो केमिस्ट्री के छोटे क्वेश्चंस को करें, देन फिजिक्स के छोटे क्वेश्चंस को करें, उसके बाद वो बड़े क्वेश्चंस को ले, बायो के बड़े क्वेश्चंस, देन केमिस्ट्री के बड़े क्वेश्चन, देन फिजिक्स के बड़े क्वेश्चन। जब वो ऐसा करता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसकी स्पीड नहीं बनी। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि लाइन से पेपर करने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन मान लीजिए बीच में आ गया, अब वो ज़्यादा टाइम ले जाएगा क्योंकि अभी बच्चे की स्पीड ही नहीं बनी है पेपर करने की, तो वो 5 to 7 minutes ले जाएगा, जबकि उसकी जगह वो 5 to 7 छोटे क्वेश्चन कर सकता था। 5 to 7 क्वेश्चन छोटे करेगा तो आप सोच सकते हो कि उसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलेंगे, और जब बच्चे की स्पीड अच्छी बन चुकी है उसके बाद वो इजीली बड़े क्वेश्चंस को ले सकता है। तो ये आप पेपर के दौरान इसको ध्यान रखें, ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए पेपर करते वक्त। हाँ बच्चों, बहुत बार ऐसा भी आता है कि बच्चे बोलते हैं मैंने पूछा बेटा क्वेश्चन पेपर पूरा देखा था, बोले नहीं सर वो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन तो हम देख ही नहीं पाए, इतना समय कम पड़ा, और एक्चुअली में वो सिंपल क्वेश्चन थे आते थे। अगर आप एक बार पेपर से पूरा गो थ्रू हो जाओगे तो सिलेक्शन लाइक तो आपका काम हो जाएगा। तो एक बार पूरा पेपर पढ़ने की भी आदत डालें कि इतना टाइम मैनेज करें कि पूरा पेपर पढ़ पाएं। अच्छा सर, एक और बड़ी खतरनाक सी प्रॉब्लम है, बच्चा पेपर देता है, अपने क्लासेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छे आंसर दे रहा है, लेकिन जब टेस्ट लगा अजीब सा वो एंजाइटी फील कर रहा है, उसके नंबर ही नहीं आ रहे हैं, वो परेशान हो जा रहा है, मतलब आती चीज़ें गलत कर दे रहे हैं, तो इस पर कैसे काबू करें वो? बिल्कुल सर, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि बच्चों में हम लोग देखते हैं।
टेस्ट एंजाइटी, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? टेस्ट एंजाइटी बच्चों क्या है कि मैं देखता हूँ कि पेपर चालू होने वाला है, पेपर के 5 मिनट भी वो बुक्स लेके जो है वो देखता रहता है, पढ़ता रहता है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि टेस्ट के एक दिन पहले प्रिपरेशन होती है, टेस्ट की प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से करो, ठीक है? आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अब टेस्ट देने के एक घंटे पहले आप छोड़ दो किताबें वगैरह, आप म्यूज़िक सुनो या थोड़ी देर खेल लो, है ना, उससे माइंड अपना हटा लो एकदम, ठीक है, और मस्त मूड में एकदम आप पेपर देने जाओ एग्ज़ाम में। अब पेपर देते वक्त हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल का फोबिया हो जाए, ठीक है, या टेस्ट देते वक्त आपको ऐसा लगे कि यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ, तो आप उसमें स्मॉल ब्रेक ले सकते हो, आप पानी पियो, पानी पी के अपने आप को ना सेल्फ टॉकिंग होना चाहिए, खुद को आप ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सेल्फ टॉकिंग रखो, आप है ना अपने आप को समझाओ और वापस री एनर्जाइज होकर पेपर दो आप, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप ना काफ़ी हद तक जो है पेपर को बहुत अच्छे से दे पाएंगे और आपको एंजाइटी नहीं फील करेंगे। एक और काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपको टेस्ट में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें कि आप पहले से ही टेस्ट दें, जैसे टेस्ट से पहले आप एक प्रैक्टिस टेस्ट घर पे दें, तो टेस्ट से पहले अगर हम एक प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं तो काफ़ी हद तक हम उन चीज़ों को जो है दूर कर सकते हैं बड़े ईजीली, ठीक है। और बच्चों टेस्ट के टाइम पे कभी भी आपको ऐसे परेशानी हो तो आप ग्लूकोज ले सकते हैं या पानी पी के, है ना, थोड़ी देर अपने आप को रीएनर्जाइज किया और फिर आप टेस्ट दीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप टेस्ट दीजिए, तो आपको जो है दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। एक्चुअली मैं जो सर ने बताया मैं ऑफ भी किया जब मैं अपने उत्तराखंड PCS के मेंस एग्ज़ाम देता था, टेस्ट से मतलब एग्ज़ाम से एक घंटे पहले मैंने नहीं पढ़ा, लाउड म्यूजिक सुनता था पूरा फुल वॉल्यूम पे, पूरा दिमाग से टेंशन गायब, फिर जाके फ्री माइंड होके अपने लिखना है, क्योंकि एक घंटे में भी मैं क्या जो पढ़ लूँगा, जब मैंने पूरे साल जो तैयारी की है वही ज़्यादा अच्छी है। तो बच्चों ये बहुत अच्छा सर का सजेशन था, एक घंटे पहले प्लीज़ आप बुक्स को हटा दें, अपना म्यूजिक सुने जो चाहे करें, लेकिन प्लीज़ बुक्स को फॉलो ना करें, तो ये बहुत अच्छा सजेशन था सर का। अच्छा सर एक चीज़ और जो देखने में आ रही है, कभी बच्चा बोलता है कि सर नींद नहीं आती है मुझे, मतलब मैं कोशिश करता हूँ तो भी नहीं सो पा रहा हूँ, और कुछ बच्चों की उल्टी समस्या है, बोलते हैं सर नींद बहुत आती है मैं पढ़ूँ कैसे, तो इसमें क्या है, मतलब कैसे करें वो मैनेज? हाँ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बच्चे क्या करते हैं कि अपना टाइम टेबल जो है वो सही से सेट नहीं रखते हैं, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो बच्चे मोबाइल में काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, जनरली होता ये है कि जब हम सोने होते हैं तब अपना मोबाइल देखते रहते हैं और मोबाइल देखते देखते उसमें घंटों निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो बच्चों की ना जो हैबिट है वो बिगड़ जाती है, मतलब उसके प्रॉपर सोने का टाइम जो है वो कम पड़ जाता है, सुबह क्लास लगी हुई है तो उसको क्लास भी जाना है, अब उसको क्लास में नींद आती है, तो जब भी आप सो रहे हो तो सोते वक्त जो है कि कोई कॉफ़ी या टी ना लें, ठीक है, क्योंकि उसको लोगे तो आपकी नींद खुल जाएगी, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको तो दूर ही रखिए जब आप सोने जा रहे हैं, तो फिर इनसे दूर रहिए ताकि आप प्रॉपर नींद लोगे और आपकी सुबह जो है टाइम से नींद खुलेगी और आपका पूरा शेड्यूल फॉलो होगा। अच्छा कुछ बच्चों का जो है वो ज़्यादा नींद आती है, मतलब क्लास में भी वो ऐसा लेजीपन सा स्लीपी सा फील करते रहते हैं, ठीक है, उसका कारण भी ये है कि है ना उनका हर दिन का जो शेड्यूल है वो फिक्स नहीं होता, कभी वो किस टाइम पर सोते हैं कभी वो किस टाइम पर सोते हैं, तो उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब रहता है। तो बच्चों आपको जो है प्रॉपर बायोलॉजिकल जो क्लॉक आपका सेट है आपके बैच के अकॉर्डिंग उसको आपको फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम से सोइए टाइम से उठिए, और अगर आपको क्लास में नींद आने की प्रॉब्लम है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जिस भी सब्जेक्ट की क्लास में आपको ऐसा फील होता है या पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा फील होता है तो आप जो टॉपिक आज सर पढ़ाने वाले हैं उसको आप पहले से पढ़ के आइए, तो आपका बराबर इंटरेस्ट बना रहेगा क्लास में, आपको लेजीनेस फील ही नहीं होगी और स्लीपीनेस भी जो है फील नहीं होगी। इसमें सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो जैसे बच्चा लास्ट चल रहा है तो पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है, उसको पुराना भी रिवाइज करना है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए नींद के आर्स में से कुछ टाइम जो है वो कम करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नींद के आर्स से आप करोगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन होती हुई चली जाएगी, आप पढ़ तो बहुत घंटे रहे हो लेकिन आपके नंबर जो है वो लगातार कम होते जाएंगे क्योंकि आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई, जो काम आप एक घंटे में कर सकते थे अब उसमें आप 1.5 से 2 घंटे लगा रहे हो, तो कृपया करके नींद के आर्स में से बिल्कुल भी कटौती ना करें, 6 घंटे की एट स्ट्रेच नींद लें रात में और 1 घंटा दिन में आपको जरूर रेस्ट करना चाहिए बच्चों। बहुत बहुत बेहतरीन सर, एक ही और मैं जानना चाहूँगा, बच्चा कोटा आ गया, उसको बहुत बार रिसोर्सेज नहीं पता होते हैं कि सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए या क्या कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, एक्चुअली उसको सारी चीज़ें नहीं पता है,
तो उसको किस किस रिसोर्स पे बिलीव करना चाहिए, क्या आखिर वो फॉलो करे? मेजोरिटी हम देखते हैं कि लगभग 22,30,000 के ऊपर बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया, और ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारी बुक्स रेफ़र करते हैं या ऑनलाइन जो है वो वीडियोस देखते रहते हैं। बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी आप किसी नेशनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक ऑथेंटिक कोचिंग जो हो उसके मटेरियल को आप फॉलो करिए, जिसका सिलेक्शन रेशो बहुत ही ज़बरदस्त हो, ऑथेंटिक हो, कई सालों से वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हों और उनका जो स्टडी मटेरियल है वो उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहे, ठीक है, और वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। तो ऐसी कोचिंग के मटेरियल को जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए इसमें। और साथ में जैसा कि हम जानते हैं कि है ना NCERT जो है उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि हम आकाश में पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ का बता सकते हैं आपको कि जो भी स्टडी मटेरियल है वो पूरा NCERT बेस्ड है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें क्वेश्चंस NCERT के अकॉर्डिंग फ्रेम होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे NCERT माइंड मैप्स जो है वो मिलते हैं, और NCERT माइंड मैप्स में जो पूरा चैप्टर है वो आपको 2 से 3 पेज में समराइज करके वो लोग देते हैं, और NCERT की लाइनों पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, और उसके आगे उसका पेज नंबर मेंशन होता है। तो आप पैरेलली NCERT खोल के रखो और NCERT माइंड मैप्स खोल के रखते हैं, तो उससे आपकी NCERT बहुत ही बेहतरीन प्रिपेयर होती है, हमें पता लगता है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा NCERT बूस्टर्स, ठीक है, रैंक बूस्टर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे बच्चों को मिलती है, कैटलिस्ट। इसके अलावा आकाश के जो 330 ब्रांचेज हैं उनमें जो टॉपर्स हैं, वो जो टॉपर बच्चे मिस्टेक करते हैं उसको भी हमारा जो हेड ऑफिस है, नेशनल एकेडमिक डिपार्टमेंट है, वो बहुत बारीकी से देखता है उनकी जो मिस्टेक्स है, उन पर 5-5 क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी स्पेशली अगर मैं बात करूँ कोटा ब्रांच की, तो उसमें भी हम उनको ईजी, मॉडरेट और टफ कैटेगरी में जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इस तरीके से हम बच्चों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तो उनके रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। इसके अलावा जो है हम डेली बेसिस पे भी बच्चों को पोल्स हमारे यहाँ पे होते हैं, तो हम पोल्स के थ्रू भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे भी उनकी एकेडमिक्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, सब्जेक्ट पर कमांड बहुत अच्छी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू अक्सर इसी में आता है, मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा उसको, कि बच्चा जैसे किसी कारण से वो बीमार हो गया या घर में कोई फंक्शन था और वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो हाँ, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है बच्चे के साथ कि वो उसकी क्लास छूट गई तो वो क्या करें। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग आकाश में पढ़ा रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही सॉलिड प्लान हमारे पास रहता है कि हमारे यहाँ पे iTutor लैब है, जिसमें कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की लाइब्रेरी है, सारे लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो वहाँ पर आप जो है जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो उसी के साथ उसके क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, तो आप जो है वो अपने मोबाइल पे या यहाँ पर इंस्टीट्यूट पे आके भी लैब में बैठ के वो लेक्चर आप पूरा सुन सकते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा नीट चैलेंजर ऐप, जिसमें कि अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि नीट में पूछे गए हैं वो सारे आपको सॉल्यूशंस के सहित मिल जाएंगे, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। NCERT ऑडियो बुक, तो ये इंडिया की फर्स्ट ऑडियो बुक है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा घर से कोचिंग आता है या कोचिंग से घर जाता है तो वो टाइम उसका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, वो टाइम भी आप चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जो है कोई भी टॉपिक है NCERT का, वो आपको समझना है, आपने उसमें ऑडियो बुक से बोला, ईयरफोन लगा के आप सुनते हुए पूरा चैप्टर आ सकते हैं। मतलब एकेडमिकली जो है बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें क्या कंटेंट पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, इस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, और वो बच्चों आपको जो आपके टीचर्स हैं, एक ऑथेंटिक कोचिंग आप ज्वाइन करिए, उसके स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए, और जो टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं वैसा आप काम करिए। बहुत बेहतरीन सजेशन है आपके सर। तो बच्चों, इसमें एक चीज़ और निकल के आई, जो यूट्यूब पे आप नहा किधर उधर के वीडियोस देखते हैं, किसी भी टीचर के आपने वीडियोस को देखा, तो एक्चुअली में उनकी आंसरेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनसे आप नहीं जाके बोलोगे सर आपने ये पढ़ाया था ये तो गलत लग रहा है, आप तो बस उसको देखोगे, लाइक या डिसलाइक करोगे। तो उन लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है बच्चों कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे अगर हम लोग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जो भी आपकी नेशनल ब्रांड्स हैं, उनके हर एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी है, उसने क्या पढ़ाना है, क्या सही है, क्या गलत है। एक्चुअली में अगर कुछ गलत पढ़ाएंगे तो HODs बुला के बाकायदा एक्शन लेते हैं, इवन क्वेश्चन के आंसर गलत हैं तो उस पर भी एक्शन होता है हमारे यहाँ। तो बच्चों, हमेशा जो भी फॉलो करो वो नेशनल ब्रांड हो, उसी के मॉड्यूल्स हों, क्वेश्चंस हों, ऐप वगैरह हैं वो फॉलो करो, NCERT पे फोकस करो। तो बच्चों, एक अच्छा सा हम लोगों ने सेशन आपके साथ गुजारा, किसके लिए कि आप लोग कैसे कोटा अगर आते हैं तो कैसे अपने सिलेक्शन को श्योर करें।
ऐसे ही और सेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। थैंक यू बच्चों।